हेलो एवरीवन, मेरे होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंडोर प्लांट्स के ऊपर बातें करेंगे। इंडोर प्लांट्स में हमें कौन कौन से लेने चाहिए और जो है जो हमारे घर के वातावरण को काफ़ी अच्छा रखते हैं और हमारे मूड को भी अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट हमारा ये है एग्लोनिमा। ये रेड एग्लोनिमा है और ये भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसमें तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो एक ये एग्लोनिमा है और एक ये है चाइनीज़ एवरग्रीन। ये ग्रीन वैरायटी है इसकी। तो एग्लोनिमा बहुत सारी वैरायटी आती है, आप कोई सा भी ऐड कर लिए अपने घर में। और ये जो है बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लायर प्लांट है और ये जितनी भी हार्मफुल गैसें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके वातावरण को शुद्ध करता है। अगला प्लांट हमारा ये है क्रोटन का। ये है गोल्डन डस्ट क्रोटन। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं और एक देखिए ये है क्रोटन। तो क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप किसी को भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और ये भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करता है। फॉर्मल्डिहाइड जैसी गैसों को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन सप्लायर प्लांट है, इसलिए भी आप इंडोर रख सकते हैं। अगला प्लांट हमारा ये है टेबल कामिनी। ये छोटा सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों का शेप बहुत अच्छा लगता है, एकदम एक ट्री जैसा दिखता है ये टेबल कामिनी। ये भी एक इंडोर प्लांट से ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ये भी, और इसको भी हम अपने इंडोर रख सकते हैं। और इसको हफ्ते में एक दिन बस सनलाइट की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को प्रिपेयर करता है। अगला प्लांट हमारा ये है, देखिए रियो का प्लांट। इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ये देखिए। तो रियो प्लांट को भी हम इंडोर रख सकते हैं और इसको हफ्ते में एक या दो दिन की धूप बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको थोड़ी देर धूप दिखा करके हमें इसको इंडोर रखना चाहिए। और इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट हमारा ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना को भी हम इंडोर प्लांट के उसमें रखेंगे। ये भी इंडोर प्लांट है और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन प्योरीफायर है ये। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसी तरह से ये हमारा कोलियस का प्लांट आ जाता है। देखिए इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। एक ये कलर है और मेरे पास एक दूसरा कलर ये है और एक मेरे पास ये कलर है। ये देखिए छोटे छोटे से पॉट में भी ये ग्रो हो जाता है, बहुत ही इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। अगला प्लांट हमारा ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत रंगीन पत्ती वाला खूबसूरत प्लांट है, इसको भी हम इंडोर रख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है, इसकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। अगला प्लांट हमारा ये है अम्ब्रेला ट्री। अम्ब्रेला ट्री या इसको सिफ्लेरिया भी बोलते हैं, ये भी एक इंडोर प्लांट है, इसको भी हम इंडोर रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ये मनी प्लांट। छोटा सा प्यारा सा मनी प्लांट है ये, पानी में भी ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। इसको हम इंडोर रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, दोनों तरह से इसको रखा जा सकता है। पर इंडोर ये छनी हुई लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। अगला प्लांट हमारा ये है बैम्बो पाम। ये बैम्बो पाम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, देखिए इस तरह से ये दिखता है। और ये भी एक ऑक्सीजन सप्लायर प्लांट है और इसको हम अपने घर में ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए। ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये आ जाता है अरेका पाम। हमारा अरेका पाम भी ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। इसमें ये हमारा एयर प्योरीफायर प्लांट होता है और ऑक्सीजन हमें रिलीज़ करता है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है, सुंदर पत्तियों की वजह से भी, और हमारे घर के वातावरण को भी ये बहुत पॉजिटिव रखता है। इसकी ग्रीनिश जो है पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। इसके बाद आ जाता है ये सिंगोनियम का प्लांट है। ये सिंगोनियम पानी में भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, देखिए हमने इसे पानी में ग्रो किया है। पहले इसमें कोई पत्ती नहीं थी, अब इसमें दो पत्तियाँ इसमें ग्रो हो गई हैं। तो ये पानी में भी उगाया जाता है और मिट्टी में भी, ये काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है। इसके बाद ये आ जाता है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा जो है एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, इसे इंडोर या आउटडोर दोनों रख सकते हैं। इंडोर में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें देखिए ऐसे रनर्स निकलते हैं, अगर इनको हम मिट्टी में ग्रो कर देंगे या पानी में ग्रो कर देंगे तो ये बड़े ईजिली ग्रो हो जाते हैं और बहुत लो केयरिंग प्लांट होते हैं।
इसकी ये वेरीगेटेड पत्तियाँ जो हैं स्ट्राइप्स, इसकी ये वाइट बॉर्डर और ग्रीन स्ट्रिप इसमें से बीच में से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए इस तरह से इसमें रनर्स निकलते हैं। तो ये भी एक इंडोर प्लांट है और ये बहुत ईजी टू ग्रो हो जाता होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस स्पाइडर प्लांट के हमने रनर्स को ऐसे ग्रो कर लिया है। ये मिक्सी का एक जार था मेरे पास जो बेकार हो गया था, तो मैंने इसमें ये ग्रो किया हुआ है और ये आराम से ग्रो हो गए हैं सब। अगला एयर प्यूरीफायर प्लांट हमारा ये है, ये है बूस्टन जो है फर्न है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको मॉइस्चर पसंद होता है और ये हमें हार्मफुल गैसों को भी एब्जॉर्ब करता है, फॉर्मल्डिहाइड और SO2 जैसी गैसों को भी ये एब्जॉर्ब करके वातावरण को शुद्ध करने में ये प्लांट बहुत बेहतरीन भूमिका निभाता है। अगला प्लांट ये हमारा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये जो है बहुत अच्छा जो है, इसकी लीव्स देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और ये बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये भी अच्छा इंडोर प्लांट है, इसको भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये स्नेक प्लांट। देखिए ये स्नेक प्लांट्स में दो वैरायटी, कई सारी वैरायटी आती हैं, ड्वार्फ भी होता है, ये लॉन्ग वाला है, ये भी एयर प्यूरीफायर होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है और ये वातावरण की जो जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम अपने बेडरूम में या कहीं भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं इंडोर। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। ये फ्रेंड्स ट्रेसिना की दूसरी वैरायटी है, देखिए ये भी हम इंडोर रख सकते हैं। इसमें ये जो है इस तरह की पत्तियों का वेरिकेशन है, बहुत सुंदर लगता है, इसको भी हम इंडोर रख सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये फ्रेंड्स देखिए रियो के प्लांट है, इनकी पत्तियों का जो है वेरिकेशन बहुत अच्छा होता है, नीचे से पर्पल ऊपर से ग्रीन होती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये भी बहुत अच्छे इंडोर प्लांट्स हैं, ये वाटर में भी ग्रो हो जाते हैं और मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं। तो इन्हें भी हम इंडोर में इन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ये इंडोर प्लांट्स हैं। अगला प्लांट ये डेफिन बेकिया का प्लांट है। फ्रेंड्स ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये अच्छा ग्रो हो गया है, तो इसको भी हम शेड में रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। अगले प्लांट ये हमारा जेड प्लांट है। देखिए ये जेड प्लांट बहुत ही लो केयरिंग होता है और बहुत ही बेस्ट इंडोर प्लांट होता है, ये भी ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। इसको हम कई तरह से सजा सकते हैं अपने गार्डन में, अपने घर के अंदर भी, और ये बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस बिल्कुल ये प्लांट है, इसे भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ इंडोर प्लांट्स की जानकारी। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो जो है पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स।